हाय एवरीवन, आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। आज हम लोग बिहार बोर्ड का मॉडल सेट फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह जो क्वेश्चन है दो सेक्शन में बटा हुआ है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन और सब्जेक्टिव सेक्शन, जिनमें से ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आपको केवल 35 ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन देना है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट अगर आप 35 से ज़्यादा क्वेश्चन को अगर आप टिक आउट करते हैं तो ओनली 435 क्वेश्चन को ही पहले देखा जाएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा। तो भूल के भी ऐसा काम ना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर ना लगा दे, जो परफेक्ट है सही है उसी 35 लगाए। तो आइए पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट यानी बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में कौन संभव सही है, तो ई बराबर -dV बटे dr सही, यानी ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है, तो इसको कैलकुलेशन करने पर 1 माइक्रोफैरेड यानी ऑप्शन ए होगा। समांतर पट्टी का संधारित्र होता है, तो एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर इनटू ए बटे डी यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो भी ग्रेटर देन जी यानी भी का मान ज़्यादा होगा जी की अपेक्षा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का। आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6। हिटस्टोन ब्रिज का व्यावहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है, तो मीटर ब्रिज जो है वो हिटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन राशि संरक्षित रहती है। किरचॉफ का जो बिंदु नियम पॉइंट रूल है वो फर्स्ट लॉ को कहा जाता है और इसमें आवेश संरक्षित रहता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ड्रिफ्टिंग, जिसका मीनिंग होता है एक रूप औसत यानी यूनिफॉर्म एवरेज यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, एंड 10 नंबर क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भी स्क्वायर बटे आर। 11 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका ऑप्शन बी एफ वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी हो जाएगा, यानी भी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। चुंबक के फ्लक्स का मात्रक होता है, क्वेश्चन नंबर 12, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स 12 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा वेबर, वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है, यानी RMS वैल्यू बराबर पीक वैल्यू बटे √2, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, शिखर धारा का मान बटे √2। 15 का हो जाएगा, एक चुंबक की लंबाई LM और ज्यामिति लंबाई LG के बीच निम्नलिखित में कौन सही संबंध है, तो LG बराबर 6/5 LM, अगर LM बराबर बोलता तो 5/6 LG हो जाता, लेकिन इसका ऑप्शन सही नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, एक लाइक बनता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बनता है ताकि आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि प्रोवाइड हो सके ये नोट। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। यदि BH पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल नमन कोण हो, तो पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, BH बटे cos डेल। और 17 नंबर है, चुंबकन तीव्रता की यूनिट है, इसको मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, एंड ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चुंबक के यामोत्तर जिसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, स्टूडेंट्स इसका 18 का हो जाएगा, एक ऊर्ध्वाधर तल यानी ये वर्टिकल प्लेन होता है। 19 नंबर है, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1+d/f हो जाएगा। 20 का है, सामान्य आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, तो सामान्य आँख का जो फोकल लेंथ होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है। हीरा का क्रांतिक कोण होता है, तो हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है वो 24.41 डिग्री
होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर बोला है, यदि संपर्कित दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस होता है, यानी दो जब लेंस को सटक कर रखा जाता है तो उसका समतुल्य लेंस उत्तल लेंस ही होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही ऑप्शन। 23 नंबर बोला है, प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत है, यानी ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत, यानी ऑप्शन डी। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है, वर्ण विक्षेपण जिसको इंग्लिश में डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी सी सही होगा। 26 का है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो बैंगनी के लिए प्रकाश के लिए जो है ना, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, यानी 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 इसका सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, 27 नंबर का सही ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में बोला है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है, तो ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन। यह स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बार बार बिहार बोर्ड पूछता है। अगला क्वेश्चन है 29, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चांदी का कार्य फलन होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 31। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, आपके लिए मैंने बहुत मेहनत किया, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं 10 मिनट में सॉल्यूशन निकाल लिया इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। प्लांक नियतांक का मान होता है, तो इसका मान होता है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, फोटोन का गतिक दरमान होता है h/c लैम्डा, h प्लांक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ, और जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो होता है 0। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन श्रेणी प्राबैंगनी परिसर में है, तो लाइमन सीरीज जो है वो प्राबैंगनी अल्ट्रावायलेट रीजन में बनता है। अगला क्वेश्चन है 34, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त सही नहीं है, नाभिक घटना, प्राकृतिक घटना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है परमाणिक घटना और स्वतः स्फूर्त घटना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट सी, परमाणिक घटना नहीं है, रेडियो एक्टिविटी घटना। 35 है कि तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीटा पार्टिकल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल्फा कण होता है, अल्फा कण जो वो हीलियम न्यूक्लियस जैसा व्यवहार करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 का आइए 37 में बोला है कि प्रेसी एंटीना की परास डी स्मॉल डी टीवी प्रेशन टावर की ऊंचाई एच और पृथ्वी की त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है d√√2hr, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 37 का। ये क्वेश्चन देखते हैं 38 में क्या बोल रहा है। 38 बोला है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, तो मूल अवस्था फर्स्ट ऑर्बिट को ही कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 39 स्टूडेंट्स बोला, जब अवद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता, तो जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाया जाता है तो उसकी जो कंडक्टिविटी है चालकता वो बढ़ता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोला, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, तो नॉ और गेट के लिए y = a+b, तो नॉर के लिए a+b पर बार लग जाएगा, एनी ऑप्शन सी सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स 40 नंबर क्वेश्चन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो दोस्तों। चलो 41 में बोला है कि अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 Hz के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति होगा, इनपुट 50 Hz है और आउटपुट आपसे मांग रहा है, तो आउटपुट जो इनपुट का 2 गुना हो जाता है, 100 Hz हो जाएगा सही ऑप्शन। 42 में बोला है कि द्वि आधारी संख्या 111102 का दशमिक संख्या में कौन होगा, जस्ट आप उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं तो उसका जो दशमिक संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 30, सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, जो ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं है,
सी भी नहीं है लेकिन डी सही ऑप्शन है। 44 में बोला है कि एप्सिलॉन नट के बराबर है, यानी परमिटिविटी का वैल्यू होता है 8.854 × 10^-12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो 44 का सही ऑप्शन सी है। 45 में बोला है कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही संबंध है, तो स्टूडेंट्स 1/i बराबर होता है 1/3 × 10^-29 कूलम मीटर होता है, लेकिन ऑप्शन में सभी सेंटीमीटर दिया है, बिल्कुल गलत है, सेंटीमीटर नहीं होगा वहाँ कूलम मीटर होगा। ठीक है, तो आप सही कर लेंगे क्वेश्चन को। अगर आपके पास स्टूडेंट्स आप बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट है उसको आप PDF डाउनलोड कर ले मोबाइल से या व्हाट्सएप से या जो भी है, या फिर आप कंप्यूटर से उसका एक सेट निकाल ले, ठीक है, ताकि आप बेहतर से बेहतर आपका तैयारी हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 46 बोला है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, तो आप जो CC देख रहे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है और पैरेलल का फॉर्मूला तो C1+C2+C3, तो C1, C2, C3 के तीनों का वैल्यू CCC ही है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3C हो जाएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो C3C हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन 3C यानी सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो 1 एम्पियर बराबर 10^3 मिली एम्पियर, यानी मिली को तोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा और प्लस माइनस दोनों कैंसिल बराबर हो जाएगा, यानी 47 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो धारा घनत्व बराबर होता है करेंट बटे एरिया, यानी करेंट को आई और एरिया को ए द्वारा, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिरोध 49 है, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो R बराबर ρ×L/A यानी B इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स 49 का प्रतिरोध के लिए कौन संबंध सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 बोला है कि चित्र में I का मान होगा, ये जो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से है, आने वाली धारा को पॉजिटिव और जाने वाली धारा को नेगेटिव, यहाँ जो है जंक्शन की ओर तीनों धारा आ रही है यानी 20, 10, 10, तो 40 - I, तो I उधर जाकर प्लस हो जाएगा, I बराबर 40 एम्पियर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर C। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। 51 विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है, तो सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है, यानी 51 का सी हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 1 kWh के बराबर होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3.6 × 10^6 जूल सही ऑप्शन है। ठीक है, 52 का 1 kWh बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 1 Tesla होता है, 1 Tesla जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है और 1 Tesla बराबर होता है 1 Wb/m², बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 54 है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बराबर होता है वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए, यानी बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है, तो 54 का सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ए नंबर। 55 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सी बराबर 1/√μ/εnet के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 फोटोन का ऊर्जा होता है, तो फोटोन का जो एनर्जी होता है वो h𝛎 होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो यह बराबर होता है 1.6 × 10^-19 जूल के बराबर होता है, 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 58 में बोला है निम्नलिखित में कौन सही है, तो एक तरफ दिया है बाइनरी, दूसरी तरफ डेसिमल दिया है, तो डेसिमल जब 7 को तोड़ा जाता है तो उसका आता है 111, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 59 में बोला है कि द्वि आधार योग के निम्न में कौन सही नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन डी नंबर जो है वो सही नहीं है, 1+1 2 और 2 का होता है 1 0 होता है, ठीक है, जो वहाँ पर 1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी उच्च आई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो है सेकेंडरी ज़्यादा होता है यानी N2 > N1 होता है, तो यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 61 नंबर में बोला है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है,
तो दृश्य भाग में जो है वो पड़ता है आपका बामर सीरीज, यानी ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी शक्ति होगी। तो हम लोग जानते हैं कि पी बराबर 1/f, तो 1/f यानी 1/1 यानी 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन सी नंबर। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 63 नंबर। 63 नंबर में बोला है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो आईपीस की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ ओ लेस देन एफ ई। 64 पे बोला है पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, तो डेल एम बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर है प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। स्टूडेंट्स इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन किए हैं, यूट्यूब में भी कई बार बताए हैं कि जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो तीव्रता वेग वेवलेंथ सब चेंज हो जाता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। 66 में बोला है यदि हवा में प्रकाश का वेग भी है और पानी में प्रकाश का वेग भी डब्लू हो तब, तो एयर में वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 67 में बोला जल के लिए क्रांतिक कोण होता है, तो जल के लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो होता है 48.75 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 68 में बोला है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है, तो पाई का जो है समगुणज होता है 2n × π, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए में कौन सही है, तो इंटेंसिटी आई जो होता है वो लैम्डा के चतुर्घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर बचा है कि कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ जिसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 0a। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन।